इस सॉन्ग का स्केल होगा बी माइनर, ठीक है, बी माइनर ये स्केल है। अब कुछ कुछ जगह पे इसे सी माइनर से प्ले कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसे बी माइनर से प्ले कर सकते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो पे आपको अलग अलग स्केल मिलेगा, लेकिन हमें एक स्केल चूज करना है। हम बी माइनर करें तो बी माइनर से भी सॉन्ग वैसा ही ब्यूटीफुल लगेगा और सी माइनर से भी वैसा ही ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। बी माइनर से हम स्टार्ट करेंगे, सो फर्स्ट लाइन है वी गो। यहाँ पे पहले म्यूजिक का पार्ट भी प्ले होता है, तो म्यूजिक का पार्ट भी इसी तरीके से प्ले होगा। ठीक है, और यही हमें आगे लिरिक्स के पार्ट में भी ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है वे को, फिर तारा दरबार। अब ये जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लगे इसलिए, ठीक है। सो एक एक करके नोट्स देखते हैं। एफ शार्प, डी, सी शार्प, B, A sharp और कॉर्ड F sharp major, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, दर ब दर, ठीक है, B, C sharp, D, C sharp, B, B, C sharp, D, C sharp, B। अब फास्ट करना है, ऐसे नहीं करना है, इतना नॉर्मल करना है। अब फास्ट करना है, ये फास्ट करना है, फिर बी ऐड करना है। इस तरीके से पूरा देखते हैं। अब सेकंड लाइन देखते हैं, पहले लाइन देखिए, फिर तारा दरबार। नेक्स्ट लाइन है वी गो, मिलता नहीं तेरा निशान, ठीक है। अब पहले वाली लाइन में और इस लाइन में बस एक ही नोट का डिफरेंस है, पहले किया था, यहां करने के बाद हमने लाइन बी प्ले किया था, लेकिन अब करेंगे मिलता नहीं तेरा निशा। अब फिर से ये नोट एंड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाली लाइन थी, सेकेंड लाइन, नाउ नेक्स्ट लाइन, ये लाइन भी सेकेंड वाली लाइन से सेम है, ठीक है। कौन सी लाइन दिखते हैं, हो के जुदा कब मैं जिया। नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, काफी आसान, थोड़ा सा चेंज करेंगे लेकिन बहुत आसान है, देखते हैं। तू है कहाँ, ठीक है, एफ शार्प, तू, एफ शार्प, डी, एफ शार्प, डी, डी, A, D, E, D, C sharp, B, A sharp, F sharp, D, D, E, D, E, D, C sharp, B, A sharp. To hai kaha, main kaha. Ye same hai. Main kaha. ठीक है, अब तीन चार लाइन जो सीखी, चार लाइन जो सीखी उसके साथ में देखते हैं। अब ये आपको म्यूजिक में प्ले करना है और उसके बाद इसी चार लाइन को फिर से लिरिक्स से भी ऐड करना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, दैट इज काफी आसान से लेने, एक एक करके सीखते हैं।
Here we go. Teri yaadon mein khoya rehta hoon. Kafi aasan hai na? Here we go. Teri yaadon mein B A A C sharp C sharp. Chord A note, A chord play karenge. B A A C sharp C sharp. Aasan. Next. Khoya rehta hoon. C sharp B B B B. ठीक है. साथ में तेरी यादों में खोया रहता हूँ. नाउ नेक्स्ट लाइन. ठीक है. मुझको डसती है ए डी सी शार्प ई कॉर्ड ए. तन्हाया E-D-E-F sharp E-D-C sharp E-E-E-D-E-F sharp E-D-C sharp E-E-E-D-E-F sharp. Clear? अब यहाँ तक सीखा, उसके साथ में देखते हैं. Repeat. कॉर्ड्स को एक एक बार कर सकते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं हमारे अंतरे के पार्ट पे. अंतरे की फर्स्ट लाइन है बिल्कुल. अभी जो दो लाइन सीखी ना, उसी को एक बार रिपीट करना है. मतलब टोटल चार लाइन करनी है, लेकिन चारों के चारों लाइन सेम है. ठीक है, कैसे करना है? पहले बी माइनर कॉर्ड, एफ शार्प ई डी, एफ शार्प ई डी. दो बार एफ शार्प और एक बार ई. कितना किया पहले? एफ शार्प ई डी, फिर दो बार एफ शार्प, फिर एक बार ई. फिर डी अगेन ऐड करेंगे और दो बार एफ शार्प फिर से करेंगे और एक बार ई करेंगे. मतलब पहले एक पहले ये जो तीन नोट है ना, उसी में पूरी लाइन प्ले करनी है. पहले ये तीन नोट को एक एक बार किया, फिर ये दो बार, ये एक बार और ये एक बार, फिर से अगेन ये दो बार, एक बार, एक बार. लेकिन अब इसको प्ले करना है थोड़े से सुर में. ठीक है, नोट्स याद रहेंगे, एक दो तीन. ठीक है, एक दो तीन, फिर ये दो बार, ये दो एक बार, फिर से. ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्ड एक और ऐड करना है. एक और कहाँ ऐड करना है? जब लास्ट दो बार एफ शार्प कर रहे हो, उसमें सेकेंड वाला जो एफ शार्प है लास्ट टाइम पे, वहां पे ए ऐड करना है. और ये पे ई पे एंड करेंगे. ठीक है, F sharp E D, F sharp F sharp E D, F sharp F sharp E. अब सेम लाइन फिर से रिपीट करनी है. ठीक है, अब ये जो दो लाइन हमने प्ले की, उसी को दो बार फिर से रिपीट करें. मतलब पूरे लिए चार बार प्ले करेंगे. किस तरीके से देखते हैं? इसके बाद वो वाले लाइन को रिपीट करना है. ये लाइन आगे हमने सीखी ऑलरेडी. ठीक है, तो अंतर के चार प्ले करने के बाद तेरी यादों में खोया रहता हूं, लेकिन लिरिक्स ये नहीं रहेगी. लिरिक्स बदल जाएगी, हमारे नोटेशन सेम रहेंगे. ठीक है, देखते हैं.
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्ले करता हूँ ताकि आप देखिए कि कौन से पार्ट में कहाँ रिपीट कर रहा हूँ एंड कौन से अंतरे के बाद कौन सी लाइन आती है और उसे कितनी बार रिपीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से हैप्पी को, पहले म्यूजिक का पार्ट। लाइंस ढूंढता नहीं, मुखड़े का पार्ट और अंतरे का पार्ट। अब ये कॉर्ड की पैटर्न बहुत आसान है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और उसके ऊपर मैंने नोट्स प्ले कर दिए। तो इस तरीके से आप ये पूरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। इसके नोटेशन की फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप ऐसे ही सॉन्ग को अपने मनपसंद सॉन्ग को पियानो पे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारे सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे सॉन्ग्स ऐसे होंगे जो कि आपको सीखने नहीं होंगे और काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स हमने अपलोड नहीं भी किए होंगे जो कि आपको सीखने होंगे, राइट। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं सारे जो डिमांड है उनको फुलफ़िल नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग ईच एंड एवरी डिमांड, मतलब एक एक सॉन्ग को मैं अपलोड करूँ या फिर उसकी नोटेशन फाइल बनाऊँ, मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि कैसे आप गानों को सुनकर बजा सकते हैं। क्योंकि सॉन्ग्स में एक एक करके सीखने में आप कितने ही सॉन्ग सीख लोगे, 10 सॉन्ग को सीखोगे उसके बाद भूल जाओगे। अगर आपको ये आता होगा कि कैसे गानों को सुना आपने मोबाइल में सुना एंड उसका नोट्स फाइंड किया, उसके कॉर्ड्स फाइंड किए एंड तुरंत बस 5 मिनट में उसको प्ले कर लिया, दिस वुड बी मोर इफेक्टिव एंड अ स्मार्ट थिंग टू डू, ठीक है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं कि कैसे गानों को सुनकर बचाया जाता है, मैं कैसे अपने सॉन्ग के नोट्स निकालता हूँ, कॉर्ड्स निकालता हूँ, स्केल्स निकालता हूँ, तो ये सब कुछ, इसे हम कहते हैं ईयर ट्रेनिंग। और ये सब कुछ ईयर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट्स को, ईयर ट्रेनिंग के टेक्निक्स को, सारे स्टेप प्रोसेस को मैंने रिवील किया है मेरे पियानो कोर्स के अंदर। हमारा जो पियानो कोर्स है वो इंडिया का एकमात्र हाइब्रिड पियानो कोर्स है। हाइब्रिड से मेरा मतलब है कि प्री रिकॉर्डेड कॉन्टेंट प्लस लाइव क्लासेस। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कंटेंट नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट को देखने के बाद डाउट्स आते हैं और उन डाउट को सॉल्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए, राइट। इसीलिए आई एम गिविंग यू 6 लाइव क्लासेस जहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके आपके सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब मैं खुद दूंगा, ठीक है। तो ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना आए कंटेंट को देखने के बाद और इफेक्टिवली आप कोर्स को कंप्लीट करके पियानो को सीख पाए, अपने मनपसंद सॉन्ग्स को सुनकर बचा पाए। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ 30 से 35 दिन के एयर ट्रेनिंग के प्रैक्टिस के बाद आप भी अपने सॉन्ग्स को निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे कोर्स के जो रिजल्ट्स है वो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। राजेश जी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है हमारे कोर्स को फॉलो करने के बाद। अब मैं नहीं कह रहा, आप उनके मुंह से ही सुन सकते हैं हमारे पेज पे जाके, ठीक है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल्स भी मेंशन है। और कुछ भी डाउट लगे तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको 10 to 6 के बीच में कभी भी कॉल कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब हमारी टीम से मिल जाएंगे इस कोर्स के बारे में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।